नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस 12:30 वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईडी की छापेमारी के खिलाफ बड़ा खजाना, 5 करोड़ रुपए की नकदी, 5 किलो सोना और विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं। साथियों, आपको बताते चले, हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी हथियार, करोड़ों का केस, 5 किलो सोना, हरियाणा में ईडी की छापेमारी से मचा हड़कंप। धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में ईडी ने छापेमारी की। आपको बताते चले, 20 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। पूर्व इनेलो विधायक के घर और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई तलाशी के दौरान विदेशी निर्मित हथियार, लगभग 300 कारतूस, 5 करोड़ रुपए की नकदी और 100 से अधिक शराब की बोतलें बरामद की है। 5 किलो सोना बरामद किया। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में कथित अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले की जाँच के तहत बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी हुई है। 5 किलो सोना और विदेशी हथियारों की बरामदगी हुई है। आपको बताते चले, सूत्रों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ व करनाल में कई नेताओं के घर और उनसे जुड़ी इकाइयों पर 20 परिसरों की तलाशी ली गई। आपको बताते चले, इसी दौरान बड़ी मात्रा में नकदी और सोना और विदेशी हथियारों की बरामदगी की गई है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस भारत।